जय श्री महाकाल दोस्तों, क्राइम की दुनिया में न उम्र देखी जाती है, न कद काठी और न ही अनुभव देखी जाती है। तो बस दो चीजें, पहला 56 इंच का सीना और दूसरा कुलांचे मारता हुआ जिगरा, ये दोनों एक लड़के के पास थी। ऐसा लगता है 100 साल पहले लिखी बिहारी शख्सियत की ये पंक्ति, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, मानो इसी गैंगस्टर के बारे में कही गई है। वो कोई और नहीं बल्कि दुर्लभ कश्यप था, जो कि डंके की चोट पर मर्डर करता था। उस पर इस तरह की सनक सवार होती थी कि वो कहीं भी राह चलते किसी को भी गोली मार देता था। वो सोशल साइट के द्वारा ऑनलाइन क्राइम की रेट तय करता था। एक दिन गोलियां भी चली, खंजर भी चले, चाकू भी चले और वो लड़का मारा गया। जब वो मारा गया तब उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। आज हम बात करने वाले हैं दुर्लभ कश्यप। आंखों में काजल, माथे पर तिलक, गले में काला गमछा, कभी छोटे तो कभी लहराते लंबे बाल और हर फिक्र को धुए में उड़ाती चाल, पहली बार देखने पर हर नजर धोखा खा जाए, ऐसा लगे मानो एक बाल ब्रह्मचारी दुनिया को हिलाने निकला है। ये देखने में जितना भोला नजर आता था उतना ही खतरनाक इरादे और तेवरों वाला था। दुर्लभ कश्यप के बारे में MP का बच्चा बच्चा जानता था। माताएं अपने बच्चों से कहती थी, सो जाओ बेटा वरना दुर्लभ आ जाएगा, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दुर्लभ प्रजाति के दुर्लभ कश्यप की यही तो पहचान थी। वो बहुत कम उम्र में दुर्लभ माफिक की दुर्लभ किस्म का गैंगस्टर बन चुका था। वो एक खास तरीके का ड्रेस कोड पहनता था और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जैसी उसकी वेशभूषा थी वैसे ही उसके गैंगस्टर भी पहना करते थे। कहा जाता है आज भी उसके गैंग के लड़के उसी के ड्रेस कोड की कॉपी किया करते हैं। एक और हैरान कर देने वाली बात, दुर्लभ कश्यप गैंग के सभी लड़के खुद को महाकाल का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं और आज भी उज्जैन जाकर महाकाल की मंदिर में माथा टेकते हैं। दुर्लभ के गैंग से जुड़ना नए नए लड़कों का शौक बन चुका था। तमंचा लहराना, धमकी देना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की ठीका लेना दुर्लभ कश्यप अपनी शान समझता था। डर किस चिड़िया का नाम है, छोटी छोटी उम्र के लड़कों को पता ही नहीं था। बकायदा क्राइम के धंधे को ऑर्गेनाइज वे में चलाने के लिए पूरी पलटन तैयार हो चुकी थी। दुर्लभ कश्यप 16 साल की उम्र में गैंगस्टर बन गया और इसके पीछे की कहानी भी बहुत हैरान कर देने वाली है। कहा जाता है कि बचपन में ही उसके माता पिता अलग हो गए। आज भी उसकी माँ उज्जैन की एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है और उसके पिता उसके माँ को छोड़कर चले गए। शुरुआत में दुर्लभ कश्यप अपने पिता के साथ रह रहे थे, उसके बाद वो अपनी माँ के पास चला गया। कहा जाता है कि उसके पिता ने ही एक इंटरव्यू में बताया था कि दुर्लभ कश्यप बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था। उसने अच्छी खासी हिंदी बोलना सीख लिया था, वो संस्कृत भाषा का ज्ञानी था और उसके साथ साथ उसे अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती थी, यहाँ तक कि उसने फ्रेंच भी सीख ली थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दुर्लभ कश्यप को पढ़ाई की दुनिया में नाम नहीं रोशन करना था बल्कि उसको जुर्म की दुनिया में दहशत कायम करना था। दुर्लभ के पिता ने बताया वह सुबह 4 बजे उठ जाया करता था, बास्केटबॉल खेलने जाया करता था, लेकिन 2016 में दुर्लभ अपनी माँ के पास चला गया। उस साल उज्जैन में अप्रैल मई के महीने में सिंहस्थ कुंभ लगा था। बस इसी कुंभ मेले से दुर्लभ कश्यप की जिंदगी बदल गई। दुर्लभ देर रात तक कुंभ में घूमता। सिंहस्थ कुंभ में साधु महात्माओं की जिंदगी को देखते देखते दुर्लभ कश्यप ने उन लोगों के जैसा बनने की ठानी, वैसे ही वेशभूषा अपनाई। उज्जैन में खर्चे के लिए उसके माँ से एक मुश्त काफी पैसे मिला करते थे। इन पैसों का इस्तेमाल अब वो धीरे धीरे आयासी करने में लगाने लगा। वो दिन भर दोस्तों के साथ अफीम, गांजा फूंकता और बदमाशी करता। शौक से बदमाशी करते करते 16 साल की उम्र में दुर्लभ कब हिस्ट्री सीटर बन बैठा उसे खुद भी पता नहीं चला। बकायदा गैंग बना लिया। मर्डर के आरोप में एक बार जेल तक वो आया। फेसबुक पोस्ट पर रंगदारी, लूट और मर्डर करने का ठेका लेना शुरू कर दिया। दुर्लभ और उसके गैंग इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर स्टेटस डालकर लिखा, वो कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है, कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो तो उससे संपर्क करे। साल 2018 में दुर्लभ और उसके गैंग के लोग पकड़े गए। पुलिस दुर्लभ कश्यप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। उसकी हालत बहुत खराब नजर आ रही थी।
उसकी शर्ट फटी हुई थी। उस वक्त के एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ और उसके गैंग के बारे में डिटेल जानकारी दी थी। पुलिस द्वारा इतनी बड़ी तादाद में ये जो आरोपी पकड़े थे, तो इससे बहुत सी जानकारी ना मिली, जिससे पूरी गैंग को ट्रेस करने में मदद मिली। ये उल्लेख किया गया है, आप पढ़ सकते हैं कि स्टेटस में भी, कि ये कुख्यात बदमाश है, हत्यारा है, युवा अपराधी, कोई सा भी केस, कोई भी विवाद हो तो संपर्क किया जाए। ये पब्लिक स्टेटस है इस अपराधी का। 2018 में जब दुर्लभ को पकड़ा गया, तब उसे नाबालिग होने के चलते बाल सुधार गृह भेजा गया। आयु परीक्षण के बाद अप्रैल 2019 में दुर्लभ को इंदौर ट्रांसफर किया गया। करीब एक साल तक दुर्लभ भैरवगढ़ की जेल में बंद रहा, और जब वो बाहर आया, तब लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो अपनी माँ से मिलने आया, और उसके बाद फिर से वही काम दोबारा स्टार्ट कर दिया, वही गोली मारना, अपराध करना। और ऐसा माना जाता है कि सहनवाज गैंग के लोगों ने उन्हें 1 बजे रात को चाय पीते समय गोली मार दिया।